राजा हरिश्चंद्र के बाग में जाकर के 12 रूप धर के और पूरी बगिया को चौपट कर देना है, तब हरिश्चंद्र महाराज आएंगे वहाँ। सिंहासन बहुत बोल रहा है, लगता है कोई राजा तप कर रहा है। हम मुझे विश्वामित्र के पास जाना चाहिए। सुनिए मुनिवर, यतन कहा मुनिवर तनु संकट कठन कराल, सतधारी भारी भयो अवधपति। जाते जाते
हे इंद्र, जिसके डर से तीनों लोग डर रहे हैं, तू तुच्छ नर से डर रहा है हरिश्चंद्र से? तेरा क्या कर सकता है वह? इतना अगर सत्यधारी है वो, तो मैं ऐसी माया रचूंगा कि उसका सत्य धर्म भ्रष्ट कर दूंगा। तू देखना अपने आप पे चाप तू जाता रहे, नहीं सोता हूँ। सुने राजा अरे दिन करे दे शरम, तो बिना पूछे दे तो खोपाल। कुत्ता की मल पहन ले पैजली मूड़ पे पाग धर, जा कचहरी में जल्दी से दे दे खबर। अरे उठ बैठो, जब पहले पैजली में और जाग दो, जल्दी चले जा, बाग तो उजड़ गया है।
मुकदार से धरे ऑटो नहीं जा रहा भाई, पूरा बगीचा बजा रखा ही संगला तुम्हारा ठर का जो आजा ना खोट क्या लग रहा राम नहीं जी आराम बता तो क्या से उठा आ जाते बुढ़ा में लगा दिया को हम 16 साल के बधरो 70 को उठलो नहीं रहा हुआ है उड़ तो नहीं बन रहा बता यहाँ से बूढ़ा कद्दा उन्हें पटक दा वो महाराज की ठगनी बने कौन ने ब्याह करवा रखी अरे ओ मधमानी कामनी तेरी पान पड़ी क्या तो जन 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 नित करे शोभन दे अरे तो बनते नमो ताने अपनी ही गाए रही है लाकला में खामो खालू की मुड़ पचाए अरे काहे को एक कानन पेटी कैसी चिटिया आए रही है ते पांव पसार सो लेंदे मोई नींद सताए रही पानी पक पकरी सोहावे फाटक बंदी है बाग की कहो से सुंगारो आया अरे मोली डारे भगवान जो बुढ़ाऊ कहां से बदो तो किस्मत में उठे बाजे मारे बेशरम बेहाल टगमार दो पर सो दिन चढ़ो सोबे पाओ पसार सारे सर बन
बन गया है हलवा। जीवधारी को सताना अच्छा नहीं होता, जाइए निश्चिंत होकर के जाइए, मैं सुबह देखूंगा। धारी
कुभार जी। महाराज मैं तो एक बाहराय के लिए देखने के लिए आया था, लेकिन आपका कब से यहाँ आगमन हुआ और इधर वह बारा है मेरे को मिलाने पर ही बता रहे। इन्हें तो पटाखे धरता है ते बिल्कुल बीच दो ही जोड़ों के बीच में वो कड़का मारा। जाके अपने राजा के पास जा रहे बता दे रहे हम पे तो नहीं समरो वो सुगरा देखे कोट कोड़िया में चौबने बीच ललकार तो माली परो निगाए उठाए दायो तुर्ते बुरबुराए। सुनिए राजा दो घंटे मुझको हुए इसी जगह नरना है और हमने तो देखा नहीं यहाँ कोई बारा है।
पर हुआ मेरा आगमन राजा ने सुनकर नाम तुम्हारा। और सुनो राजन, दान धर्म पुण्य का जगत में शोर हो रहा भारा, धर्म मूर्ति धरा अवतार एक तुच्छ सवाल हमारा। जो पुजवे आस हमारी जी तो कीर्ति बढ़े तुम्हारी, भारी पाओगे अंत समय में भवबंधन से तुम विष्णु लोक जाओगे। हे राजन, मैंने यहां कोई बारह नहीं देखा, मुझे तो 2 घंटे हुए हैं यहां आए, मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम सुनकर के यहां आया हूं। दान पुण्य धर्म का सारे संसार में भारी शोर हो रहा है तुम्हारा, इसलिए तुम धर्म के अवतार धर्म मूर्ति हो, मैं तुम्हें जांचने आया हूँ और मेरी आस पूरी करोगे तो तुम्हारा कीर्ति बढ़ेगी, यश फैलेगा और अंत में भव बंधन से मुक्त होकर के तुम विष्णु धाम को जाओगे। राजन सुन रहे हो? सुनिए महाराज। कहिए राजन। बड़े ही गर्व की बात है कि आप मेरे लिए यहां मांगने के लिए आए। जो चाहो सो मांग लो, रजवर दीन दयाल और सत्य प्रतिज्ञा कर कहूं पूरण करूं सवाल। कुछ भी है पर फिकर ही नहीं, जाने क्या चाहना है गुरु आपकी, बिन बताए मुझे वो सवर ही नहीं। हे नाथ, आपकी क्या चाहना है कृपया बताने की कृपा करें। वही दान दूं, सत्य बोलूं इसमें कसर ही नहीं, मेरा सर काम आवे जो धर हाथ में तो भी देने बोलूं कसर ही नहीं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है आप मांगने आए हैं, आप जो मांगे मैं वही दूंगा। अरे मेरा धर्म के हित में ये सिर भी काम आ जाए तो राजा हरिश्चंद्र की प्रतिज्ञा है, मैं देने के लिए वजन नहीं करूंगा। सुनो राजा, तू रहे सत्यवक्ता प्रतिज्ञा अटल, यह हमारे जिगर में समाता नहीं, जो कहे मुख से करके दिखाता नहीं, ऐसा सतधारी कोई दिखाता नहीं। किसी को
तू पठाता नहीं। ऐसे दिल खोल हमको बचन तीन दे, बिन बचन दिए विश्वास आता नहीं। राजन तू उस वक्त तत्व वक्त है, मुझे विश्वास नहीं आता, मेरे दिल में ये समा नहीं रहा है। और मैंने भी सुना है कि किसी को भी तू निर्मुख नहीं भगाता है। अगर तुझे दान देना है तो मुझे तिरवाचा दे, तीन बार तिरवाचा दे, तब मैं यकीन करूंगा कि हाँ तू सत्यवादी है, सत्य वक्ता है और मेरी आशा को पूर्ण करेगा। के घरे का हुआ, आप सबसे करवत निवेदन है, देम से पात्रों पे देवे, फालतू की बात हमारे मंच पे ना होती है, ना हम करवा देंगे। आप सबसे करवत निवेदन, मैं धरूं सर चरण को करूं विनती, हे नाथ मैं धरूं सर चरण में करूं विनती, मम नगर को पधारो कीजे जतन, मिथ्यावादी हुया सत्य वक्ता हूं मैं, आजमाओ मुझे हटाओ बहम। वही कर दिखाओ प्रभु मुझे, ब्रह्मा की विष्णु की हर की शरण। हे नाथ, मैं यही विनती करता हूँ कि आप मेरे घर पर चलिए, जो आप मांगेंगे मैं वही दान दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं वचन देता हूँ, ब्रह्मा और विष्णु की कसम खाकर कहता हूँ, आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। हाँ भैया, हमारी परसोरिया वालों की ओर से रघोली वालों का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। बोलो जगदम्बे माई की जय। गुप्त सज्जन यानी अन्नू टेलर 50 रुपए देते हैं। हाँ भैया, और हमारे राम सेवक पंसद नया खेड़ा वाले 20 रुपए की राशि दोनों पात्रों का खुश होकर के देते हैं। और हमारे भैया राजेश रजक और रवि रजक 20 रुपए की राशि देते हैं। बोलो जगदम्बे माई की जय, माँ के चरणों में। हाँ भैया, और हमारे श्रीमान रमेश खारे राजा हरिश्चंद्र मुनि जी के लिए शपथ देते हैं। शपथ देने के लिए कुंजी और लगाम का संकल्प करवाते हैं और फिर मुनिवर राजा हरिश्चंद्र से इस प्रकार बात करते हैं। सत्यवादी अगर हो तो ऐसा ही हो, जैसे देने लगाई है सत में लगन। और सुनो राजन, घर जाने की जरूरत नहीं है मुझे, इसी उपवन में करे इच्छा पूरी मेरी, क्योंकि प्रथा मुझे ले चलता है भवन।
मैं मानू यही सब तेरे पास है, मुझे संकल्प जल्दी से दे दे यही। दरवाजा दिए मुझे विश्वास हो गया बेधड़क कि तू अपना वचन सत्य निभाएगा और मुझे भवन जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो मुझे चाहिए है हे राजन वो सब तेरे पास है और यहीं पर तू संकल्प कर इसी बगिया में, मुझे घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पर है कौन से जो प्रभु को पसंद आई, मुझे दे चुके हैं मुझे पूर्ण विश्वास हुआ है, लेकिन अब संकल्प लीजिए और दक्षिणा भी दीजिए मुझे। अब आप मुझे दान में मैंने आपको वचन दिया था, आपने कुंजी लगाम मांगी है तो लीजिए नाथ।
यह है आप सुनी का नाम। ये आपकी राजधानी की कुंजी लगाम है, पूरी राजधानी की। ठीक है, और सुनो राजन, आप जैसा मैंने तुझे सुना था वैसा ही पाया, तूने संकल्प करके दान दे दिया है, अब मुझे आचारा जी दक्षिणा और दीजिए। हे नाथ, जैसे मन माना लिया मांगे आपने दान, और जैसे ही मांगो दक्षिणा दऊ सहित सम्मान। हे नाथ, जैसी आपने दान मांगा वैसे ही दक्षिणा मांग लीजिए, मैं आपको देने को तैयार हूं। हाँ भैया, वो तो मैंने पूरा दान में दे दिया, अब मुनि जी ने संकल्प के लिए 60 भार सोना मांगा है। मैं बहुत चिंतित हूँ, अब मेरे लिए महीनों को जाना चाहिए, रानी से सलाह लेना चाहिए। सुनो राजन, संकल्प दे दिया, अब दक्षिणा मेरी बाकी रही तो सुनो मुझे क्या चाहिए। दीदी महादान में कमती न जरा होना है, महादान में कमती न जरा होना है। हे राजन, मुझे 60 भार सोना और चाहिए, और इस दान में बिल्कुल कमी नहीं आना चाहिए। लीजिए लीजिए तू 60 भार। मुझे मालूम होता है कि तू दानी नहीं वहां घमंडी है, पाखंडी है, झूठा प्रलापी है, और जबकि तू मुझे पूरी राजधानी का संकल्प दे चुका है, तो अब बता तू मुझे कहता है कि खजाने से दान देगा, मक्कारी करता है, सत्यवादी तेरा पना सब खुल गया कि तू सत्यवादी है या असत्यवादी है। हाँ महाराज, मेरे को मालूम ही नहीं था मैं तुम्हें सब दे चुका। सितम अफसोस किया, सितम अफसोस किया, पाप मैंने भारा है, सितम अफसोस किया, पाप मैंने भारा है,
मेरे लिए कुछ नहीं दिखता कि जब मैं आपको सब दे चुका हूँ तो यह 60,000 भार का सोना कहाँ से दूँ। से गम गर्क हूँ देखे ना नारा है, कैसे हो पूरा बचन, कैसे हो पूरा बचन जो कि मैंने हारा है, कैसे हो पूरा चाहता हूं। जो कुछ था मैं आपको दे चुका, अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हे नाथ आप मेरे घर चलिए, मैं वहां पर कोई उपाय सोचूंगा कि आपको मैं दक्षिणा कैसे दूं, कहां से दूं। सुनिए स्वामी, जो सजो सतपति और लोटो वचन, या मरो मार के गल में खंजर तो तुम, तो उमर भर का किया सुकृत पुण्य कुल, नाश को प्राप्त हो और बिगड़े धर्म। सुने नाथ, मुझे बेचो मेरे लाल को को की पति झुकाओ रकम, जो जगत में पति अपनी चाहो गति, तो बेसारो न सत को हजारी बलम। सुने नाथ, यदि आप अपने प्राण त्यागते हैं तो जग में हसाई होगी। आपने जो विप्र को वचन दिया है उसके लिए हमारे लिए भेज दो, हमारे पुत्र को भेज दो और आप स्वयं बच जाओ, विप्र की राशि चुका दो, लेकिन धर्म को मत छोड़ना। सुनिए पिताजी, कि जो कहा मात ने वही कीजे पिता, कुछ करो इसमें सोचा बिचारी नहीं, मुझे बेचो बचन अपने पूरण करो, दिल मुझे किसी भी दुखारी। सुनिए पिताजी, कि मोहि माया में फंस कर तजो सत्य को, तो जगत में रहे पथ तुम्हारी नहीं, हो विमुखे धर्म से कुल कलंकित करे, इसमें सो बाप संसार। हे पिताजी, जो माता जी ने कहा है कि मुझे बेचो और खुद बिच जाओ और धर्म को मत छोड़ो, यदि आप धर्म को छोड़ोगे तो आपकी जग में हसाई होगी। मुझे भी यही बात जमी कि बिना बिकाए अब कुछ नहीं होगा, अब तो चक्रवर्ती की रकम चुकाने के लिए बिकना ही होगा।
में प्राण आधार। सुनिए ना, ओ हो कर मुझ तरवे किस लिए रहे तार देव पे भर है सुख दुख संगनी अरे धांगनी के दिल को नहीं सवरे। कीजिए जाहिर सैया पैया पड़ू प्राण प्यारे की पुन पुन ले बलैया। सुनिए नाथ, आज ऐसी क्या बात हो गई है जो आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, इसलिए हमारे लिए बहुत चिंता हो रही है। आप जल्द से जल्द हमारे लिए बताएं कि बात क्या है। हाँ भैया, ये हमारे आदरणीय परम सम्मानीय साहेब भाईजान की तरफ से 50 रुपए की शारुख भाईजान की तरफ से 50 रुपए की राशि दी जाती है। बोले जगदम्बे माई की जय। सुनिए प्रिय, चल कर के एक विप्रण मुझे चला है माम करवाया सब संकल्प राजपाट और धाम। सभी राकुल राज पाट और धन को फिर दक्षिणा में मांगा प्रिय साठ भार कंचन को। पास न एक छदाम की कैसे पूरा करूं वचन को और सतवंती सत को छोड़ू तो दाग लगे पूरे खन को। जो मैं लौटूं बचन तो मेरी जान मन जी जो मैं लौटूं होता हमारा धर्म प्यारी गुंचे बदल कुछ जतन को बता अब अदा किस तरह हो अब नपकी रकम। मेरे जो निर्मुख गया तो
ददम नहीं दिखाने का मुखे अब ये संसार में प्यारी तेरी कसम हे प्रिय। एक विप्र जी ने आकर पहले मुझसे राजपाट का दान मांग लिया, फिर दक्षिणा में 60 भार सोना मांगा है। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उनकी इच्छा कैसे पूरी करूं? यदि मैं अपना धर्म तोड़ता हूं तो मेरा सब चला जाएगा, उसके पहले मैं गले में कटार मार के मर जाऊंगा। प्रिय को बलहारी चलो बेचूंगा काशी में चलो चलने की तैयारी। हे राजन तेरी बुद्धि को धन्य है, अच्छी जगह चुनी है तुमने, ठीक है तैयारी करो काशी चलने के लिए, मैं उसे वहीं बेचूंगा तुझे। बदला
चक्रवर्ती राजा है और सारे संसार में तेरा अधिकार है। अब तू ऐसी जगह है बचा कि जहां मैं तुझे बेच सकूं। मुझे नहीं मालूम मैं कहां बेचने जाऊं तुझे। तेरा पूरे जमीन पर, पूरे राज्य में, पूरे संसार में तेरा एक छत्र राज है, इसलिए तू ही बता, मैं वहां तुझे बेचूं। अलग दुनिया में त्रिशूल पर हे देखो काशी, बसा रखी दुनिया में अलग त्रिशूल पर सोने है काशी, वहीं पे जो मुझे कर्जा चलिए काशी में अलग से त्रिशूल पर जो बसी हुई है वहां मेरे के लिए बेचिए नाथ। चैनल अपना परसोरिया से किया जा रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग चल रही होनी का चैनल अपना परसोरिया, सभी उसके लिए कहना है उनका कि सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। बोले जगदम्बे माई की जय। रानी या पुत्र रोहित, इस दम के सी पड़ रही बड़े जोरों की घाव, और कछुत तू देरी से पिटप तरे राजन कर लो तुम्हें आरा। मानो कहा
महान इस दम तो अपना चल मैं अपना राजपाट सब छोड़ करके काशी बिकने के लिए इन बच्चों को अलग बैठा दे पीछे कराई दे कौन की न मानू इन बच्चों को पीछे उठा दे फिर बाद में खेल बड़े कौन की न मानू उन्हें उठा ही देते ऐसे बहुत चकर चकर करा था इतनो हल्ला जिद जब मोड़ी और एक मोड़ा जे दो तीन बैठे आगे हम पीछे कराई दे बिल्कुल हम कह रहे हैं बहुत परेशान करें हम एक घंटा से उठाई दे रहे थे और अब चेपू कर हमारे उठा दी गई बस अब भी सब लेन में लग गया अब चेपू कर सुबह उठाई क्यों ने फेंक ही दी हम लोग आज काश में बेच गए अब मैं अपने सभी अयोध्यापुरी के ग्रामवासियों को मेरी जन्मभूमि को आज आखिरी बार प्रणाम करके काशी बिकने के लिए जाता हूँ हे नाथ सदा सुवसी बसियो सदा पूरी अयोध्या धाम और सब विधि से तो मैं रहो मैं सुख आराम हे माँ अभी तक मैं आपकी गोद में रहा हे मेरी जन्मभूमि अभी तक यह अयोध्या में मैं महाचक्रवर्ती के नाम से था आज मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ मेरी प्रजा को छोड़ के काशी बिकने जा रहा हूँ किया बे पारे नाम हे माँ अबे पारी नाम ए अबाधे राजे धानी मैया अब तक कियो अन्न जल तो में सुख पायो महारानी अब तक कियो अन्न जल तो में सुख पायो
तलक तू रही हमारी है माँ, सबकी मातृभूमि होती है। आज मैं अपनी पूरी चक्रवर्ती सम्राट का राज छोड़ के माँ तुझे बिकने के लिए जा रहा हूँ। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई बिरानी। उचित रहेगा। एक परोसे किनारी है एक बालक सुकुमार, ले खरीद कोई यहां पर है ऐसा जरदार। एक पुरुष एक नारी और एक सुकुमार बालक है, जिसको चाहिए वो खरीद सकता है, जो जरदार हो धन दौलत वाला हो। और मैं खड़े बाजार में पुकार कर रहा हूँ, नगद 20-20 भार एक व्यक्ति का सोना नगद लेके आइए और ले जाइए। अच्छे ईमानदार नौकर मिल जाएंगे आपके लिए, आपका घर का काम होता रहेगा। बहुत ईमानदार है, होशियार है और सत्यवादी भी है। Thank you.
इसे तपन के सब इनका व्याकुल यतन परिछाले पैरों में दिखाता नहीं। मंडल में जल्दी इस जल को पियो, बैठ जल्दी यहाँ पर करो तुम। हे राजन, इस समय कितने जोरों की धूप तप रही है और कुछ तो तरस विचार बेटा रोहित का और रानी का वो भी कुमला रहा है। और इस पेड़ के नीचे बैठ जा और थोड़ा जल तुम भी पी लो। ले बेटा रोहित, तुम भी पियो। सुनिए गुरुदेव, कि बस बस महिराज है कृपा दृष्टि से, क्यों करो करत बहुत ज्यादा अकल, को चक्रवर्ती की कुल संतनत को छुटा, अब छुटाते हो सत्य सकलते हो चल। कि जल्दी काशी चलो, जल्दी काशी चलो, बैठने की हमारी लगाओ मिसल, बिन चुकाए खर्च हम न पीवेंगे अन्न जल, चाहे दम जाए स्वामी हमारे। जल्दी से काशी चलिए, पहले तो आपने मेरी अयोध्या छुटा दी है और अब आप सत्य छुटाना चाहते हैं, इसलिए आप हम लोगों को ले चलिए, बैठिए, इसके बाद ही हम सब कुछ करेंगे। पानी पीबे न हम मर न मंजूर है, पानी पीबे ने स्वामी, चाहे भूखे रहे चाहे प्यासे मरे, जो मुसीबत पड़े सोठा भेंगे हम, इनके कहने में जो आप आओ पिया ना रहे सत्य हर गए तो सुनिए स्वामी, अब मेरे को मालूम पड़ता है कि आपका सत्य और हमारा सत्य डगाना चाहते हैं, लेकिन हम पानी अन्न जन कुछ नहीं खाए पिएंगे, ये हमारा सत्य डगाना चाहते हैं। हम चाहे भूखे मरे चाहे प्यासे मरे, लेकिन इनका कर्ज चुकाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। हाँ भैया, सुनो राजन, महारानी या पुत्र सुनो, छोरी जब से अवध तब से मैंने कही हो चुके तीन दिन ऐसे फाके करो, ऐसी गर्मी में जो ऐसे फाके करो तो कोई दम में दम भूप जाए निकल। थोड़ी बातों में कुछ ना नतीजा निकले कभी, जल पियो हरा कर लो कमल, भला पीने में जल क्या बिगड़ेगा धर्म, है कहाँ पे अकल है कहाँ पे अकल। हे राजन, हे तारावती, हे रोहित कुंवर, 3 दिन हो गए हैं और तुमने अन्न जल कुछ नहीं लिया है, और ऐसी गर्मी में अगर भूखे चलोगे फाके पड़ेंगे
तो कभी भी राजन ऐसे में किसी का दम भी निकल सकता है। और फिर पानी पीने में तुम्हारा कौन सा धर्म जाएगा, पानी पी सकते हो, पानी पी लो राजन। हाँ, ये धर्मराज हैं जो कालिया का भेष रखकर यहाँ पर आए हैं। अब देखिए आगे आप। हाँ भैया, ये आवे हमारे श्रीमान गोरी मिस्त्री विश्वकर्मा, सभी पात्रों पर खुश होकर के 50 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। हम और हमारी कंपनी ने कोट सा धन्यवाद देती है। बोलो जगदम्बे माई की जय। हाँ भैया, जे आ गए हमारे श्रीमान हिम्मत अहरवाल, बी आर ब्रांच मैनेजर स्टाफ, माँ जगदम्बा के चरणों में 50 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। बोलो जगदम्बे माई की जय। बाबा ज्यादा न छुका छूत मनाना कौन दाढ़ी भंजे है। बाबा जी हमारी सुन ले, हम भी आए, अरे तुम भी नहीं जाना चाहते, हम सब तो आए, हमारे संग बाबा जी ये चल रहे हैं। सुनिए बाबा जी, हाँ वही समा रही है अब कि दौड़ा दौड़ा दूर से, सुनिए महाराज, आया हूँ सुनार, क्या इस नर का मोल है ये बदला हो तत्काल। अरे बदलाओ तत्काल गुरु जी, क्या लोगे इस नर का, कमी नहीं कुछ धन की, श्रीमन हुआ सूदा घर का। सुनो भाई, जो इस नर की है तुझे लेने की दरकार, 20 भार सुवरन अभी दे मत करे आवाज। और सुन, जो तू चाहे इसको लेना तो, और 20 भार सुवरन
की देरी लगाई तो तुझे हरिया मिल नहीं सकता, इसलिए तू जल्दी जा और जल्दी 20 बार स्मरण लेके आ। बाबा जी आप घर नहीं जा रहे ना, मैं तो जल्दी थे जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ और पैंट सोना लेके अभी आता हूँ 20 बार। पिया प्यारे की पत्नी कुंवर धांगनी ऐसे कहते धर्म शास्त्र आगम। सुनिए महाराज जी, मुझसे पहले भी के प्राण जीवन प्रभु को बेचो मुझको प्रथम एक तिहाई रकम दक्षिणा की चुकाओ मैं तू। महाराज जी हमसे पहले भी हमारे स्वामी व्यक्ति हैं तो हमारे धर्म को धिक्कार है, इसलिए पहले हमारे लिए मैचिए और कर्जा चुकाइए, हम आपके चरण चूमते हैं, ऐसा ही करिए। ऐसे मुनि से कह रही तारावती को कुमार तभी पाप बने लेते हैं और सत्य के लिए पंडित के भेष में बनाकर भेजते हैं। अब देखिए सत्य पंडित बनकर क्या कहते हैं, देखिए कि पंडित जी महाराज को
और नाच नचावे में इसे होशियार कर लिया। इस अबला को अगर तू लेना चाहे बोल तो 20 भार सुवरन अभी गांठ गिरह से खोल। हे जोहरा, अगर तू इस नाजनी को लेना चाहती है तो इसी समय 20 भार सोना यहीं पर खड़े खड़े निकाल, तब तुझे मिल जाएगी ये नारी। कितनी जय है औरत मुझे पंडित दीन दयाल, 20 भार सोना
Got it.
पंडित रानी और पुत्र को लेकर जाती हैं और राजा हरिश्चंद्र अब अपने मन में सोचते हैं, बात करते हैं, विचारते हैं। देखिए आप, हे भगवान, क्या विडंबना है तेरी। पहले मुझसे दान मांगा, मैंने अयोध्या छोड़ी, आज मेरी रानी और मेरा बेटा भूल रहा है। जो कुछ अच्छा है लगे वह करता है करता, और उसकी माया का नहीं मिला किसी को पार। चाहे कितना
निशाना, मुझे भले ही भूल जाना। मेरी पिया महाराज का अब तुम हुक्म बजाइयो, मेरी पिया ओ धन सात धर्म को पालन करके सुध को पाल ले रहियो, पालन करके सुध को पाल रहियो। तुम्हारा कोई था, अब तो आप जाओ महाराज जी की सेवा करना और इनका हुक्म बजाना। सुनिए नाथ, पंडित जी की सेवा निसदवस करूंगी, पालन करूंगी और पंडित जी की सेवा करूंगी, अपना धर्म निभाऊंगी, लेकिन आप अपनी कहिए, आप भंगी के घर जा रहे हैं, वहां पर अपना धर्म कैसे निभाएं? सुनिए प्रिया, मेरू से सूरज चंद्र तारे time।
हर्ष चंद के तुम लाल हमारे सम्मानीय लखन सह बिहारों की ओर से 50 रुपए की राशि राजा हरिश्चंद्र के पास पर खुश होकर के आई। बोलो जगदम्बे माई की जय। भैया ये आवे हमारे श्रीमान हरि सिंह पहलवान राजा और रानी के पाट पर खुश होकर के 20 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। और भैया ये आ गए हमारे श्रीमान पहला सर मिस्त्री राजा के पाट पर खुश होकर के 20 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। बोलो जगदम्बे माई की जय। हाँ भैया ये आ गए हमारे श्रीमान आर के फोटो स्टूडियो पासोरिया राजा के पाट पर खुश होकर के 20 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। बोलो जगदम्बे माई की जय। अपना स्वरण दीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं और हम अपने नौकर को ले जा रहे हैं। आप यहाँ से विदा कीजिए और आप जा सकते हैं। तीनों प्राणी बात का ध्यान रखना, धर्म का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि धर्म में कोई संकट ना आए इसलिए मैंने तुम्हें दिया है, वरना तुम्हें भी नहीं देता मैं। सुनिए महाराज जी, जो आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा, उसी के पीछे तो मुझे कार्य बनकर यहाँ आना पड़ा। हाँ ठीक है ठीक है, आप जा सकते हैं। मृतक आपके घाट पे आए उससे टका लेना, बिना टका लिए चलाने नहीं देना। इसके आगे आप यहाँ मोदी के यहाँ चले जाना, प्रतिदिन सत्तू ले आना, प्रतिदिन का एक पाव सत्तू ले आना और गंगा जी के घाट पर बैठ के और अपने भोग लगाना और यहीं पर अपने समय व्यतीत करना और रखवाली करना, मनीषणी का और ये तेरे लिए हथियार भी। ठीक है, मैं आपका हुक्म बहुत ही ईमानदारी से बजाऊंगा, जो आपकी आज्ञा होगी मैं उसके सिर धारण करूंगा। मणिकर्णिका घाट पर सवतारा
बहुत भूख सता रही है, अगर मुझे भोजन मिल जाएगा तो तेरा बहुत बड़ा पुण्य होएगा, इसलिए मुझे बहुत छुटा सदा रही है। इसी दिन में हाजर है प्रभु सत तू मेरे पास, और भोग लगा के कहो मत भूख मिटाओ आप। डराते हैं, लेकिन सत हरिश्चंद्र जी के तेज से उनके पास भटक नहीं पाते। और आगे रानी पानी भरने के लिए जो ही आती है तो अपने राजा हरिश्चंद्र जी के लिए निहारती है और उनसे बात करती है। देखिए आप, आज बड़े मम्मी भाग जो दर्शन दीने आ, क्या चिंता चेते आपको प्राणनाथ गई गया। व्याप गई है जो आपके शरीर का ही हाल हो गया है, सो हमारे लिए बताइए। हे प्रिय, सबसे पहले तो मुझसे दूर रहना, मैं यहां तक कि मेरे पैर भी नहीं छूना। जो कुछ सुख दुख है लिखा विधाता मेरी तकदीर, मेटे से मिटता नहीं करो कोट कबीर।
सुबारदार सब बता। हाँ भैया जी आ गए हमारे श्रीमान पप्पू सह चाय वाले। पप्पू सह चाय वालों की ओर से सभी पात्रों को 50 रुपए की राशि दी जाती है। बोलो जगदम्बे माई की जय। मैं सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे श्रोतागण, आज जो आप लोगों के सामने हम लोगों ने कार्यक्रम दिखाया टूटा फूटा, इसमें जो कुछ गलती हो, चूंकि आप स्वयं समझदार हैं, गलती करना स्वाभाविक है, जब कोई कार्य होता है उसमें गलती भी होती है, और यदि हमारे इस कार्यक्रम में कोई गलती हुई हो तो हम समस्त श्रोताओं से जो हमारे आदरणीय हैं उनके चरणों में वंदन करते हुए, जो छोटे हैं उनसे जय राम जी करते हुए सबसे हम क्षमा चाहते हैं और माफी मांगते हैं। चूंकि 5 मिनट और बैठ जाए आप लोग, देखो क्या है, नाटक बीच में नहीं छोड़ा जाता, यदि हम और आप रहेंगे तो आगे का नाटक भी बताएंगे, लेकिन हम 5 मिनट में आप लोग इसका अंत सुन लें, क्योंकि आप लोग सुबह जब पूछेगा कोई कि आप लोगों ने कहा देखो हरिश्चंद्र बिक गए, हरिश्चंद्र भंगी के घर आ गए और वहां पे पानी भर रहे, अब बच्चा कहाँ है, रानी भी पानी भर रही, और बच्चा गुरुजी के पास है, बच्चा कहाँ जात, कैसा मरत, फिर कैसे कफन ढाकत, दाऊ ये किस विस्तार में आपको बता दे, दाऊ की आप सुनो और हम सबको नमन करत भाई, हम अपनी लीला तो समाप्त कर रहे, ऐसे कर रहे कि अब आप और लेट हो गए और हमारे भी लेट हो रहा है, भगवान की कृपा रहे यदि आप लोगों का प्यार इसी तरह मिला तो एक आगे की कथा हम आपको भविष्य में कभी भी सुनवा है। दाऊ से सुने के जाए हमारे नाटक को 5 मिनट पूर्व अंत बता दे। नाटक तो कैसे बहुत पहले खेला गया, लेकिन अब 20 साल से नहीं हुआ तो इसका नॉलेज नहीं है, जो पढ़ने वाले देखने वाले इनको होता है। ठीक है, जो भी बता रहे थे कि धर्म के भेष में भंगी जाता है और इनको महाराज को ले जाता है, तो धर्म बचा रहता है, और पंडित भी आते हैं धर्म के भेष में और वो वहां नौकरी करते हैं, और उन्हें फूलों का काम सौंपा जाता है, रोहित को बगीचा में फूल तोड़ने जाते हैं, विश्वामित्र स्वयं सर्प बन कर डसते हैं और जाकर के खुद खबर दे देते हैं माता को कि तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है। इस प्रकार से खत्म हो जाता है रोहित, और शमशान में राजा हरिश्चंद्र रहते हैं मरघट में, तो वो तो कर लेते हैं जब जलाने देते हैं, तो रानी स्वयं ले जाती है, कोई पैसा नहीं रहता, टका नहीं रहता है, तो राजा कहते हैं कि बिना कर चुकाए हम जलाने नहीं जाएंगे, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो रानी फिर अपनी आधी साड़ी तो फाड़ के कफन से ढांक देती है पुत्र को, और आधी साड़ी में से आधी साड़ी फटा के उसको दान में टका में देती है, जब वो जलाने देती है तो उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, सत्य की परीक्षा हो जाती है और पूरा राजपाट राजा हरिश्चंद्र को अयोध्या को सौंप देते हैं। इस प्रकार से वो राजा रानी और राजकुमार बनते हैं, जो देख सत्य की परीक्षा इस प्रकार होती है। बोले जगदम्बे माई की। बता दो सर जन होते हैं सुनो वीर हनुमान।